आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के अंदर पीजी ट्रेडिशनल मेरिट थर्ड के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, मैं उसकी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। मैं देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से देखिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जैसा कि मैंने अपने देखिए फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर देखिए अप्रॉक्सीमेटली देखिए जो कट ऑफ मैंने बताया था देखिए लमसम उतना ही गया है। यहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने कहा था प्रीवियस ईयर को ट्रेंड में जो लेके मैंने जो आपको बताया था देखिए वही आपका मैच किया गया था। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर कितना कट ऑफ जा सकता है। सीधा यहाँ पर बेसिक फंडा आप लोग का यहाँ पे है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर देखें लो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आगे वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है देखिए पीजी ट्रेडिशनल मेरिट टू, मतलब कि सेकंड कट ऑफ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके मतलब सेकंड कट ऑफ और प्रीवियस ईयर के थर्ड कट ऑफ के हिसाब से देखिए मैं आपको यहाँ पे कंपेरिजन बताऊँगा। यहाँ पे ये जो मैंने आपको देखिए पीडीएफ खोला है, ये देखिए अभी जो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये आपका पीडीएफ यहाँ पे खुलेगा। और ये देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है पीजीटी थ्री, यहाँ पे ये पिछले साल का है 2023 का, यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे है ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पे किया है। देखिए जैसा कि आप सभी अपने डाले थे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पीपीयू, देखिए साइंस वालों का अभी भी जो आपको आप लोग का यहाँ पे है जनरल वालों का देखिए 70% आप लोग का यहाँ पे रहेगा, उससे देखिए 1-2% आपको कम हो सकता है। तो देखिए बॉटनी केमिस्ट्री और इसके अलावा फिजिक्स मैथ्स ये सभी का देखिए आप लोग का 68 से लेकर 70 के बीच में आप लोग का यहाँ पे रहेगा। जनरल वालों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी और किसी का नहीं, जनरल वालों को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग का इतना लमसम आप लोग का यहाँ पे रहेगा। तो थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर 68 से लेकर 70 के बीच में आप लोग का यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे सभी के मतलब सभी कॉलेज के अंदर आप लोग का यहाँ पे जैसे कि साइंस वालों का यहाँ पे एमएससी वालों का यहाँ पे उन लोगों का यहाँ पे। उसके बाद फिर बात करते हैं कॉमर्स वालों का भी, देखिए आप लोग का यहाँ पे आप लोग का वही मतलब कि 65 से लेकर 70 के बीच आप लोग का यहाँ पे रहेगा यहाँ पे। और बात कर लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे तो एएन कॉलेज के अंदर यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स का देखिए 63% गया है जनरल का यहाँ पे प्रीवियस ईयर। तो आप लोग यहाँ से उसी ट्रेंड को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लेके आप लोग का 60 से लेकर 65 के बीच में आप लोग का यहाँ पे रहेगा आप लोग का एएन कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स इंग्लिश ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मतलब एमए वालों का यहाँ पे देखिए आप लोग का 60-65 से ज़्यादा आप लोग का नहीं जाएगा यहाँ पे। ये मैं यूआर का बता रहा हूँ, आप उससे 2% आप लोग यहाँ पे घटा लीजिए, बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे उसको डिक्रीज कर लीजिए यहाँ पे ठीक है। सीधा उसका फिर एएनएस कॉलेज बार देखिए साइंस वालों का अभी भी आप लोग का 68 से लेकर 70 के बीच आप लोग का यहाँ पे रहेगा। पिछले बार भी देखिए एएनएस कॉलेज बार के अंदर यहाँ पे देखिए आप लोग मैथ का देख सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री उसका मैथमेटिक्स देखिए एमएससी केमिस्ट्री के लिए देखिए यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पे बॉटनी के लिए 70% था यहाँ पे उस समय भी और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे देखिए 67.88 यहाँ पे गया था। जैसा कि मैंने आपको कहा है देखिए 68 से लेकर यहाँ पे 70% क्योंकि इस बार बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या कहें यहाँ पे रिजल्ट भी बढ़िया सब्जी का आया था यहाँ पे तो देखिए परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज किया गया है इस बार। तो 68 से लेकर 70 के बीच आप लोग का साइंस वालों का अभी भी रहेगा पार्ट थर्ड के माफ़ कीजिएगा पार्ट थर्ड थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर भी आप लोग का यहाँ पे रहेगा आप लोग का। और बाकी देखिए एमए वालों का मैं बता ही दिया हूँ यहाँ पे कि आप लोग का 60 से लेकर 65% के बीच आप लोग का यहाँ पे रहेगा। सभी कॉलेज का आप यहाँ पे देख लीजिए इस पीडीएफ के अंदर आप लोग को नजर आ जाएगा। देखिए बीडी कॉलेज के अंदर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो बीडी कॉलेज के अंदर देखिए यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स के लिए देखिए 63 उसका फिर इंग्लिश के लिए 61 उसका फिर ज्योग्राफी के लिए 65 एमए हिस्ट्री के लिए 63 पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे देखिए 63.75 और सोशियोलॉजी के लिए 58. देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ पे देखिए 60 से देखिए 65 तो आप लोग यहाँ पे ट्रेंड भी आप लोग को नजर आ रहा है देखिए 60 से 65 के बीच में ही लाइक कर रहा है यहाँ पे यूआर का कट ऑफ। तो आप इसी के बीच में आप लोग यहाँ पे रहेगा इस बार भी और उससे कैटेगरी वाइज 2-2% आप यहाँ पे 2-2 मार्क्स यहाँ पे आप लोग परसेंट कम कर लीजिए तो सीधा यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। कॉमर्स कॉलेज के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो कॉमर्स कॉलेज का भी देखिए उसी प्रकार से आपका यहाँ पे रहेगा। देखिए सीधा चीज़ है गंगा देवी जेडी वुमेंस कॉलेज के बारे में बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे उसका फिर इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए देखिए सभी के लिए देखिए 69% यहाँ पे देखिए जेडी वुमेंस कॉलेज के लिए यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स के यहाँ पे देखिए 69% गया था यहाँ पे। तो उसका फिर इंग्लिश के लिए देखिए 61 गया था बाकी हिंदी के लिए 60 उसका फिर यहाँ पे 65 हिंदी के लिए हिस्ट्री के लिए देखिए 63 होम साइंस जैसे घटते चला गया आप लोग 60 से लेकर 65 के बीच में आप लोग यहाँ पे लाइक कर जाता है यहाँ पे जेडी वुमेंस कॉलेज के अंदर। और साइंस वालों का देखिए अभी भी आप लोग यहाँ पे देखिए एमए केमिस्ट्री के अंदर देखिए 66 उसका फिर 67 देखिए ये क्यों कारण क्या है इसका कट ऑफ थोड़ा डाउन रहने का अदर कॉलेज के हिसाब से कारण क्या है कि ये इसके अंदर सिर्फ आप लोग यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही भर सकती हैं इसके अंदर तो इसलिए
इसीलिए उन लोगों का कट ऑफ थोड़ा डाउन रहता है, यहाँ पे कम रहता है। बाकी अदर कॉलेज आप साइंस का उठा लीजिएगा तो आपको 68 से लेकर 70 के बीच में आप लोग यहाँ पे रहेगा सीधा चीज़ यहाँ पे। और एमए वालों का किसी भी आपका रहेगा, किसी के अंदर भी आप लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट का आपका नाम आएगा 60 से लेकर 65 के बीच आप लोग का यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है तो आप लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर आप लोग का यहाँ पे नाम दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आर एल एस वाई कॉलेज बख्तियारपुर के अंदर यहाँ पे साइंस वालों का फिर भी देखिए 71 सीधा चीज़ आप लोग यहाँ पे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री वालों को देखें 68, आप लोग 68 से लेकर 70 के बीच में आप लोग यहाँ पे इस बार रहेगा आप लोग यहाँ पे। बाकी आप कॉलेज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि सभी कॉलेज को यहाँ पे देखिए लेके चलना, एक एक सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे देखिए लेके चलना बहुत ही बड़ा वीडियो यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं सीधा आप लोग को यहाँ बताता हूँ कट ऑफ यहाँ पे। तो कट ऑफ देखिए वापस मैं आपको बता देता हूँ, एमए आपका किसी भी स्ट्रीम से आपका यहाँ पे होने वाला, चाहे इकोनॉमिक्स हो जाए, इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, तो आपका एमए के अंदर आपका 60 से लेकर 65 के बीच आप लोग का यहाँ पे है, जनरल वालों को बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे निश्चिंत हो जाइए, आप लोग का पार्ट थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर आप लोग का यहाँ पे आपको आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप कैटेगरी वाइज आप जानना चाहते हैं तो देखिए आप उसे इस पीडीएफ के हिसाब से आप उसको अंदाज लगा सकते हैं कि 1-2% यहाँ पे देखिए सभी के अंदर आपका कम होता चला जाता है, तो उससे कोई ज़्यादा यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग का नहीं है। तो कैटेगरी वाइज आप लोग हैं तो आप लोग यूआर से आप लोग 2-4% आप लोग यहाँ पे कम कर लीजिए। और अब एमएससी वालों के लिए देखिए आपको 68 से लेकर 70% बीच आपको यहाँ पे रहेगा, तो आप लोग उसके लिए उसी हिसाब से आप लोग यूआर से आप लोग 2-4% आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज कम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको फ्री कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।